नो यू गाइज यू मस्ट बी टेकिंग केयर ऑफ योर क्लोथ्स योर स्टाइल योर हेयर स्टाइल एवरीथिंग टू द पॉइंट बट वट अबाउट द फेस क्या आप अपने फेस के ढंग से ख्याल रख रहे हैं ढंग से धो रहे हैं ढंग से उसको प्रॉपरली आप जो स्टेप्स फॉलो करने चाहिए वो प्रोवाइड कर रहे हैं मतलब हमारा गाइज फेस वॉश से है क्योंकि गाइज फेस वॉश सीरियसली इज द इजीएस्ट हैक टू गेट द क्लियरेस्ट स्किन पॉसिबल इन सिंपल वे क्योंकि गाइज चाहे हम कितना पानी पी लें चाहे हम कोई सी भी क्रीम लगा ले चाहे हम कितना महंगा फेस वॉश यूज कर ले चाहे हम दुबई से मंगा ले चाहे कनाडा से कहीं से भी कुछ भी यूज कर ले हम लोग इफ हमें फेस वॉश ही ढंग से करना नहीं आएगा ना तो इतनी मेहनत का कोई फायदा नहीं होगा सो स्टिल इफ यू थिंक यार मेरे को फेस वॉश तो करना आता है तो आप ये पूरी वीडियो देखिए और बताइए कि आप सेम यही स्टेप्स फॉलो कर रहे थे फ नहीं तो बेटर है ना आपको पता ही चल जाएगा कि क्या गलती है क्या नहीं आपकी सो व्हाट्सअप गाइज वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आई एम यर शर्मा फ्रॉम रोड टू एस एंड टूडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ यू शुड प्रॉपरली वॉश योर फेस टू गेट क्लियर स्किन एवरी टाइम टू गेट द क्लियर स्किन गाइज एक सबसे ईजी है का हमारा फेस वॉश तो गाइज आपको ध्यान रखना है जैसा होता है ना वो हमारी संतूर की हमारी वो एड में था कि उसकी मम्मी तीन बूढ़ी होने के बाद भी कैसी बनाई थी तो गाइज ये सीरियसली अगर आप अपना प्रॉपरली टेक केयर करोगे हाँ मेरे को पता है बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं टू गेट अ क्लियर स्किन हमारी गुड नाइट स्लीप होती है हमारी ईटिंग हैबिट्स होती है हमारी डाइट होती है देन एक्सरसाइज एंड एवरीथिंग येस आई नो बट गाइज जो हम कर सकते हैं जो हम मेनटेन कर सकते हैं और जो बहुत ईजी है और गिनती का सिर्फ पाँच मिनट लेगा और बहुत ज्यादा जरूरी भी है तो उसको तो ठीक करें ना हम लोग उसके बाद वो सारी चीजें तो चलेंगी हमारी तो स्टार्ट करेंगे हम फेस वॉश से और देखेंगे हम ये चीजें फॉलो करते हैं कि नहीं सो so, फर्स्ट आ जाता है हमारा फेस वॉश कैसे स्टार्ट करते हैं हम हमारा पानी से धोके और गाइज यहाँ पर मोस्टली लोग गलती करते हैं कि यार ठंडे पानी से मूध होते हैं एंड गाइज़ आई डोंट नो अबाउट अदर्स बट हाँ हमारे इंडिया में मोस्टली लोगों के पास टू व्हीलर्स होते हैं तो आप टू व्हीलर्स पर यार बाहर जा रहे हो आपके मुँह पे पॉल्यूशन है प्रॉपर आपका डर्ट है एक्सेस ऑयल आएगा आपके इतना ज़्यादा गंदगी मतलब सब कुछ यार सीधा फेस पर आके लगता है क्योंकि हम यहाँ तक तो कवर कर लेते हैं बट फेस को जितना भी ट्राई करें कवर नहीं हो पाता सो so गाइज़ हमें एज़ पर द प्रॉपरली स्पेसिफिक इन इंडिया एनवायरमेंट ना आपको स्टार्ट करना चाहिए लूक वार्म वाटर से अब ये क्या करेगा कि गाइस जो आपके मुंह होगा ना इसके पोर्स खोल देगा स्किन के पोर्स खोलेगा और इससे क्या फायदा होगा आपका जो क्लिनजर आप अप्लाई करेंगे जो आप फेस वॉश यूज करेंगे आपके फेस के ऊपर वो बहुत अच्छी तरह आपका एक्सेस में वर्क करेगा और जो आपके पोर्स खुले होंगे ना उन तक भी जाएगा और अच्छे से धो सकेगा सो so, आगे की प्रोसेस अच्छी होगी आपकी स्किन और ज्यादा क्लियर होगी और जो हमारा क्लींजर होगा ना वो और ज्यादा अच्छे से वर्क कर पाएगा सो सोज यू हैव टू कीप इन माइंड कि हाँ यार हम इंडिया में रहते हैं और हमें थोड़ा ज्यादा अच्छे से ध्यान रखना चाहिए दें यार बाहर के क्लाइमेट्स में जो कि इतना पॉल्यूशन नहीं होता क्योंकि यार कनाडा की बात करेंगे तो वहां पर ए क्यू आई बहुत सही होता है या आप इंग्लैंड या फिर आप जो भी बाहर की कंट्रीज देख लो बट हमारे इंडिया में एयर क्वालिटी बहुत ज्यादा सीरियसली तो आपको पता है कि तो आपको ध्यान रखना है उस चीज का और हम लेकोम वाटर से धोएंगे सो गाइस सेकंड स्टेप पे आ जाते हैं अब गाइस यहां पर ना बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कंफ्यूज नहीं मेरे को ऐसा कहते हैं जानबूझ के ट्राई करते हैं कि यार सोप से फेस धो सकते हैं कि नहीं so, सो गाइस सोप ना सीरियसली ठीक है फॉर बेथिंग आप नहा सकते हैं उसे फेस वॉश के लिए नहीं बनी होती हाँ जो कई सोप्स बनी होती हैं हमारी वो ठीक है बट रेगुलर सोप आप नहीं यूज कर सकते ए क्योंकि उसका जो पीएच बैलेंस होता है गाइज वो आपकी स्किन फेस की जो स्किन होती है उससे अलग होता है तो गाइज़ आपको और ज़्यादा इरिटेट कर देगा आपके फेस की स्किन को और ज़्यादा आपको लगेगी ड्राई है और स्किन इरिटेट करेगी आपकी एंड बी गाइज़ वो ऐसी चीज़ें मतलब इंग्रेडिएंट ऐसे कंटेन नहीं करता कि जो प्रॉपरली फेस क्लेंजिंग के लिए बने हैं मतलब कि हमारा पॉल्यूशन से फाइट करने के लिए बने हुए हमारा डर्ट से फाइट करने के लिए बने हमारा एक्सेस जो ऑयल होता है हमारा सीबम होता है हमारा जो यीस्ट हमारे फेस पे होता है इन सबसे फाइट करने के लिए नहीं बना होता So, ये फैक्टर्स जो होते हैं ये सोप नहीं कंटेन करता ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर फेस वॉश कर पाएगा so, so, बट आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको हमेशा जब भी फेस वॉश खरीदें यू हैव टू ऑलवेज गेट अ फेस वॉश एज पर योर स्किन टाइप अब वो कैसे पता चलेगा हमारी स्किन फोर टाइप्स की होती है नॉर्मल ऑयली कॉम्बिनेशन और ड्राई अब गाइज मैं आपको बताता हूँ सबसे ईजी वे है जो हमारा ऑयली स्किन होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स काम करता है यूनि की हर समय काम करेगा बट हां ईजी है का? आप और रिसर्च कर सकते हैं मैं आपको सबसे ईजी टाइम बता देता हूँ क्योंकि आप इतना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो तो ये ट्राई करिएगा अगर आपका फेस वॉश करने के बाद विद इन थर्टी मिनट टू वन आवर आपका फेस ऑयली हो रहा है तो आपका ऑयली स्किन है अगर आपका फेस और ज्यादा ड्राई होगा इिरीटेट हो गया थोड़ा फ्लेकी फ्लेकी लग रहा है आपको आपका कि मतलब अगर थोड़ा इरीटेट हो रहा है स्किन थोड़ा दर्द हो रहा है फट रही है स्किन तो आपकी ड्राई स्किन है If आपका जो फेस है वो ऑयली हो रहा है बट टी जोन से टी जोन क्या होती है हमारी ये जोन तो टी जोन से आपका सिर्फ ऑयली हो रहा है और बाकी सारी जगह से ठीक है आपका मतलब थोड़ा सा ड्राइस सा है आपका तो कॉम्बिनेशन स्किन है अगर आपका प्रॉपर है ना कोई ऑयली स्किन है ना आपको थोड़ा ड्राइनेस हो रही है ना कुछ तो आपकी एकदम प्रॉपर नॉर्मल स्किन टाइप है सो so गाइज आपको ऐसे पता करना है और इसके अकॉर्डिंग ही आपको फेस वॉश लेना है आजकल के फेस वॉशेस पे गाइज स्पेसिफिकली लिखा होता है मेड फॉर ऑयली स्किन मेड फॉर कॉम्बिनेशन स्किन मेड फॉर नॉर्मल स्किन तो पढ़ के लीजिए यार आप इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा तो आप ढमकी जगह पर इन्वेस्ट करिए ना ये थोड़ी दी कि आप कुछ भी मार्केट में आप जाएंगे और उठा के शॉप से लियाएंगे और वो थ्रू आउट द लाइफ यूज करेंगे गाइज आपको एज पर योर स्किन टाइप यूज करेंगे तभी वो वर्क करेगा आप कुछ भी उठा के लेके आएंगे तो कभी भी वर्क नहीं कर पाएगा सो हमेशा आपको ध्यान रखना एज पर योर स्किन टाइप आपको परचेज करना है फेस वॉश। so, तो परचे सबसे बेस्ट टिप बताता हूं आपको यह नहीं करना कि ब्लूकोम वाटर से पानी ऐसे और या टक टक करके फेंक नहीं आपको गाइस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपको वर्क करना है मसाज करना है आपके फेस पे इससे गाइज होगा क्या जो आपके पोर्स खुले हैं उसमें जो आप क्लिनजर यूज कर रहे हैं उससे अच्छे से वर्क करेगा सारा डर्ट निकालेगा सारी यूज प्रोडक्शन जो होती है हमारे फंगस वगैरह जो है हमारा वो निकालेगा आपका एक्सेस ऑयल निकलेगी पॉल्यूशन जो आपका बाहर घूम रहे हैं उसकी मतलब आपके जो सारे के सारे प्रॉब्लम करेगा आपको जो आपकी स्किन क्लियर होने से रोकेगा वो सारी फेंक देगा तो आपको क्या करना है मसाज करनी है प्रॉपर और सबसे ज्यादा हमें कब किस चीज का ध्यान रखना है जहां पर हमारा सबसे ज्यादा ऑयल इकट्ठा होता है वो है हमारी टी जोन अब टी जोन जो मैंने आपको पहले पॉइंट में

अब क्या करें हम लोग हमें क्या करना चाहिए हमें करना चाहिए फेस वॉश को धोना चाहिए विद कोल्ड वाटर अब कोल्ड वाटर क्यों कहा मैंने मैंने अब दोबारा क्यों नहीं? क्योंकि यार अब हमने अपना पोर्स तो खोल लिए अब हमें बाहर इनको बंद भी तो करना है अगर आप गए बाहर पोर्स खुले हुए मतलब आप दोबारा ल्यूकोम वाटर से धोेंगे तो आपके पोर्स जो होंगे वो खुले के खुले रह जाएंगे एंड जन तो आप टू व्हीलर पर ड्राइव कर रहे हैं तो आपके एक्ने होंगे क्योंकि वो डर्ट अंदर पोर्स तक जाएगी रोकेगी ब्लॉक करेगी ऑयल होगा वो आपके पोर्स में जाएगा वो ब्लॉक करेगा तो दोबारा आपको एक्नेस हो सकते हैं स्किन इंप्योरिटीज मतलब तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी स्किन ब्रेक होगी आपकी तो आपको कोल्ड वाटर से आपका स्टेप एंड करना है फेस वॉश का और आपको ध्यान रखना है कि हाँ आपका प्रॉपर कोल्ड वाटर ही हो लुक वॉप ना हो इससे पोर्स लॉक होंगे और आपके बाहर जो प्रॉब्लम हो सकती है बाहर जाने से वो नहीं होगी हमारी सो so गाइज अब हमने फेस वॉश प्रॉपर सीख लिया अब सबसे बड़ी जो लोग गलती करते हैं ना मेरे को जो हमेशा दिखता है लोग अभी भी ऐसे होते हैं कि यार कुछ नहीं होता फर्क नहीं पड़ता वो है हमारा यूजिंग सेपरेट टावर अब गाइज आप सोच रहे होंगे यार एक ही तो बात है बट गाइज ऐसा नहीं होता हमारी जो फेस की स्किन होती है एज कंपेरिटिवली टू अवर पूरी होल बॉडी ना थोड़ी ज्यादा सेंसिटिव होती है तो आपने जो पूरी बॉडी पे आपने यूज करा अपने बालों पे जो यूज करा आपने वहां से डर्ट पॉल्यूशन उसके बाद गाइज आपने वहां से एक्सेस ऑयल ऑयल्ट तो वगैरह आपने सब बैक्टीरिया वगैरह वहां पर उस टवल पर लिया है उसके बाद गाइज आप फिर देन अपने मुंह पर यूज़ करेंगे तो वही सेम आप अपने मुंह पर अप्लाई कर रहे हैं जैसा कि मैंने कहा हमारी फेस की स्किन सेंसिटिव ज्यादा होती है तो आप अगर वही यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन और ज्यादा वही पहुंच जाएगी जहां से आप स्टार्ट हुए थे मतलब कि वही स्किन ब्रेक हो सकती है स्किन क्लियर जिसके लिए हम इतना कर रहे हैं वो कोई फायदा ही नहीं हो वट यू हैव टू डू एक अलग टावर सेपरेट लेना है जो कि सिर्फ आपका हो और किसी का नहीं जो कि सिर्फ आपका हो और यूज किस लिए होता हो सिर्फ और सिर्फ फेस वॉश के लिए गाइस बहुत ज्यादा जरूरी स्टेप है क्योंकि अगर आप इतना कुछ कर रहे हैं ना और एक टॉवल का ही ध्यान नहीं रख पा रहे वो कोई भी उठा के यूज कर रहे हैं कोई की किसी भी अपनी बॉडी का ही कहीं भी लगा रहे हैं मुंह पे फिर देन आ गया तो वो बहुत ज्यादा बेकार कर देगा पूरे सारे स्टेप्स का चाहे कुछ भी कर सो हैव टू मेक इट श्योर एकदम क्लीन टॉवल है आपका उसके बाद सिर्फ आपका पर्सनली हो और वो बॉडी वॉश वगैरह के लिए नहीं सिर्फ और सिर्फ फेस वॉश के लिए बना हुआ

प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को वीडियो को लाइक करना भूलिएगा, और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी ऑन कर दीजिएगा सो गाइस कैसी लगी वीडियो बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में